सो है गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी इस तरह की ब्लैक स्क्रीन रेंडर ऑफ लिरिक वाले स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर एंड नोट वीडियो ऐप। तो आइए हम सबसे पहले काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपल से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद 1:1 रेशियो को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर चले जाना और यहाँ से हम एक ब्लैक बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से हमें ओके करना है। फिर से हमें लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से हम एक वीडियो वाले ऑडियो को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हम जो वीडियो को ऐड किए उस वीडियो को डिलीट कर देंगे। डिलीट कर लेने के बाद दोनों फिंगर से हम इसे छोटा करेंगे। उसके बाद ब्लैक बैकग्राउंड को पकड़ के हम पूरा वीडियो तक खींच देंगे। उसके बाद दोनों फिंगर से हम जूम करेंगे और लास्ट में अच्छा से मैच करेंगे। उसके बाद हम शुरू में आएंगे, थोड़ा सा प्ले करके इसे सुन लेंगे पहले। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ तक सुन लिए। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से हम लिरिक को कॉपी करके रखे थे इसे हम पेस्ट करेंगे और कुछ इस टाइप से हम बाकी पार्ट को कट कर देंगे। कट कर लेने के बाद यहाँ से डबल ए पे हमें टैप करना है और यहाँ से हम एक फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस फॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस फॉन्ट को हम सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से हमें ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद अब हम इस पर टैप करके यहाँ से इन एनिमेशन को हम फर्स्ट वाले फेड को हम सेट करेंगे और आउट एनिमेशन में भी फेड को हम सेट कर देंगे। उसके बाद ओके कर लेना। ओके कर लेने के बाद इसे अब हम प्ले करेंगे। प्ले कर लेने के बाद जहाँ तक मेरा ये लिरिक बज रहा है वहाँ तक रहने देना है। उसके बाद कैची वाले ऑप्शन पे जाना और तीसरे नंबर वाले पे सेलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस टाइप से मेरा कट हो चुका है। तो दूसरे वाले पे सेलेक्ट करके इसे हम एडिट करके दूसरा लिरिक को हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हम दूसरे लिरिक को पेस्ट करके बाकी पार्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। उसके बाद ओके करना। प्ले करके पहले हम लिरिक को मैच कर लेंगे। कुछ इस टाइप से मेरा लिरिक मैच कर हो जाने के बाद जहाँ तक मेरा लिरिक बज रहा है वहाँ तक हम रख लेंगे। उसके बाद पूरा लिरिक को हम बड़ा कर देंगे और धीरे धीरे कट करके इसी तरह से सुन सुन के हम पहले लिरिक को कट करेंगे और सब में हम एडिट टेक्स्ट करके हम सब में लिरिक को लिख लेना है। उसके बाद जिस टाइप से हमें जगह जगह पर जहाँ जहाँ मेरा लिरिक खत्म होगा वहाँ वहाँ तक रखेंगे। उसके बाद इसे हम एडिट करते जाएंगे। तो आइए हम फटाफट सारे लिरिक को बना लिए हैं। उसके बाद लिरिक बन जाने के बाद अब हम इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट कर लेना है आपको भी। वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ से हम नोड वीडियो ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से मोड प्रो मोड पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर हमें क्लिक करना और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से वीडियो वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और जो वीडियो को अभी हम लोग काइन मास्टर एप्लीकेशन से एक्सपोर्ट किए उस वीडियो को हम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से हम जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एसएस स्टोर पर हमें क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से हमें एक ग्लो स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा हम इसे पहले प्ले कर लेते हैं जो मेरा लिरिक आ गया। उसके बाद हम यहाँ से इसे स्टॉप करेंगे। उसके बाद हम कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। कलर वाले ऑप्शन पे हमें चले जाने के बाद यहाँ से हम एक कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कुछ इस टाइप से हमें कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसे इसके रेशियो को हम थोड़ा सा कम ज़्यादा करके पहले मिला लेंगे। हम कुछ इस टाइप से हो जाने के बाद हमें फिर से प्लस वाले अकाउंट पर क्लिक करना है और एसएस स्टोर पे हमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक रेन ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस टाइप से हमें रेन ड्रॉप वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से जो ब्लर वाला ऑप्शन दिख रहा है उसे हमें कम करना है। तो यहाँ से हमें इसे 0 पॉइंट कर देंगे। कुछ इस टाइप से 0 पॉइंट कर लेना है। 0 पॉइंट कर लेने के बाद यहाँ से हमें ये जो 40 दिख रहा है उसको भी माइनस कर देना हमें यहाँ से। कुछ इस टाइप से 0.00 रख लेना और यहाँ से हमें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 पे हमें टिक लगा देना। टिक लगा देने के बाद अब हम इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। टॉप टू हेयर स्टार
कोडिंग पे हमें क्लिक करना है, कुछ इस टाइप से क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से एरो वाले निशान पे हमें क्लिक करेंगे एक बार, और यहाँ से रेशियो सेलेक्ट करके हम यहाँ से 10 FPS को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से हमें इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो क्वालिटी पहले हम सेट कर लेंगे, उसके बाद हम अच्छी तरह से इससे एक्सपोर्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट होने टाइम हम इस वीडियो को इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा एक्सपोर्ट क्लोज हो सकता है। तो यहाँ से जो ग्रीन कलर वाले प्ले वाला बटन दिख रहा है उस पर हमें टैप करना है। सिंपल से टैप कर लेने के बाद मेरा एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद फिर से मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, प्लस वाले आइकन पे जाना है, 1:1 रेशियो को हम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद जो नोट वीडियो एप्लीकेशन से हम वीडियो को एक्सपोर्ट किए उस वीडियो को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद ओके करना। ओके कर लेने के बाद यहाँ से सिंपल से लेयर पे क्लिक करना, ओवरली पे जाना है, और यहाँ से हमें एक सिंपल फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद 1:1 रेशियो वाला हम फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे कुछ स्टेप से पहले जूम कर लेते हैं। जूम करके हम पहले बॉर्डर को अच्छी तरह से सेट करेंगे। कुछ इस टाइप से बॉर्डर सेट हो जाने के बाद यहाँ से हमें ओके करना है। ओके कर लेने के बाद इसे पूरा वीडियो तक हम खींच देंगे। फिर से हमें लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और यहाँ से हम अपने एक चैनल PNG को सेलेक्ट करेंगे। तो चैनल PNG को सेलेक्ट कर लेने के बाद इसे भी हम पहले छोटा कर लेते हैं। छोटा कर लेने के बाद इसे हम नीचे की ओर ले आएंगे। ले आने के बाद इसे पूरा वीडियो तक हम खींच देंगे। खींच लेने के बाद यहाँ से हमें ओके करना। ओके कर लेने के बाद यहाँ से हम प्ले करके पहले देख लेंगे वीडियो को। तो देख सकते हैं मेरा वीडियो कुछ इस टाइप से बन चुका है। अब हम इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ से भी आपको क्वालिटी दिख जाएगा, किसी भी क्वालिटी पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।